Namaste friends, myself CA Shivali Agrawal, and in CA Foundation I am taking law and in CA Inter I am taking law and audit. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चैनल के थ्रू अब हम लोग बहुत सारे रिविजन लेक्चर्स एंड नॉर्मल क्लासेस अपलोड करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपकी पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल बटन बना हुआ आ रहा है उसको आप प्रेस कर दें, सो दैट जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है, जो भी लेटेस्ट रिविजन आ रहा है और जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आ रही हैं आप उन सबको अच्छे से देख सके जो आपको हेल्प करेंगे आपके पेपर्स के दौरान. सो जस्ट एंजॉय द क्लासेस दैट आर फॉलोइंग दिस वीडियो. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. ठीक है, आप जरा आज फर्स्ट टू चैप्टर्स को ना रिवाइज करते हुए चैप्टर थ्री के आज कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने हैं, तो आओ चैप्टर थ्री को बस रिवाइज करते हैं थोड़ा सा. क्या है ऑडिट, एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन. हमने क्या पार्ट स्टार्ट किया था, एस से 500, दैट इज ऑडिट एविडेंस. क्या होता है ऑडिट एविडेंस, और सबसे पहले बताओ ऑडिट एविडेंस क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्या क्यों हम बात कर रहे हैं ऑडिट एविडेंस की. हमें क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना है और उसके बाद एक ओपिनियन देनी है. लेकिन बुक्स अकाउंट्स को या ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करने के लिए आपको क्या लेना जरूरी है, सबूत लेना जरूरी है, तभी तुम क्या कर पाओगे, अपनी एक ओपिनियन दे पाओगे. सो व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, इट इज द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द ऑडिटर. ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर कलेक्ट करता है जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करता है और उसके बाद रिपोर्टिंग करता है. क्या हुआ, उसके बाद रिपोर्टिंग करता है. जो हम सबूत इकट्ठे करते हैं वो कैसे होने चाहिए, जो मैं सबूत ले रही हूं वो कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट भी होने चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए, यानी कि मात्रा भी उनकी अच्छी होनी चाहिए और वो जो सबूत मैं ले रही हूं वो क्वालिटेटिव भी होने चाहिए, यानी रेलिवेंट भी होनी चाहिए. जिस सोर्स से हमने सबूत लिया है वो रेलिवेंट सोर्स होना चाहिए. उसके बाद हमने क्या किया, कौन से फैक्टर्स हैं जो सफिशिएंसी को डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं. क्या था ये बात, कौन से फैक्टर्स हैं जो सफिशिएंसी को डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं, जरा बताओ. अगर हमारा कोई फैक्टर है यहां पर, वो हमें बताएगा कि सबूत ज्यादा लेने हैं या सबूत कम लेने हैं. ठीक है, उस फैक्टर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि गलती होने के चांसेस कम हो जाए और हमारा लास्ट में ऑडिट रिस्क भी क्या हो जाए, ऑडिट रिस्क भी कम हो जाए. तो सबसे पहले तीन फैक्टर्स कौन से थे, गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं तो हम सबूत भी कैसे ज्यादा लेंगे, सो दैट एंड में हमारा ऑडिट रिस्क कैसा हो जाए, कम हो जाए. हमें अपनी गलती होने के चांसेस को भी क्या रखना है, कम रखना है. नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. जो हम ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं उसका रिजल्ट खराब आ रहा है, बेकार आ रहा है, सही नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एविडेंसेस ज्यादा लेंगे. उसके बाद अगर कोई आइटम मटेरियल है तो उसको लेके हम एविडेंसेस ज्यादा लेंगे. फिर नेक्स्ट तीन कौन से आए थे हमारे, इंफॉर्मेशन, साइज, होमोजीनियस. अगर किसी भी आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन कम अवेलेबल है तो एविडेंसेस ज्यादा लेंगे, साइज अगर बड़ा है तो एविडेंसेस ज्यादा लेंगे, और अगर होमोजीनियस हैं तो एविडेंसेस कम लेंगे. और लास्ट के दो कौन से हैं, सबने बोलना है, एक्सपीरियंस गेन्ड प्रीवियस ऑडिट. अगर पिछली बार जो हमें एक्सपीरियंस रहा था वो अच्छा है, वो अच्छा था अगर पिछली बार का एक्सपीरियंस, तो एविडेंसेस कम लेंगे. और अगर ट्रेंड फ्लक्चुएटिंग है अकाउंटिंग रेशियोज के, तो अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए कि हाँ सच में ये फ्लक्चुएटिंग रेशियोज ठीक है, हम एविडेंसेस कैसे लेंगे, ज्यादा लेंगे अगर फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है. ठीक है, सो ये फैक्टर्स हमें बता गए थे क्या, कि कितने सफिशियंट ऑडिट एविडेंस हमें लेने हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया था, नेक्स्ट आया था इंटरनल एविडेंस और एक्सटर्नल एविडेंस. क्या था, इंटरनल एविडेंस जो विद इन द एंटिटी क्रिएट होता है और एक्सटर्नल एविडेंस जो आउटसाइड द एंटिटी क्रिएट होता है. रिलायबिलिटी पे बात आई थी, हमारी रिलायबिलिटी पे, कि ऑडिटर जो जो सबूत लेगा वो किस पे कितना रिलाय कर सकता है. अगर सबूत रिटर्न है तो ज्यादा रिलायबल होगा, अगर डायरेक्टली ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है तो ज्यादा रिलायबल होगा, अगर ओरिजिनल पेपर्स हैं तो ज्यादा रिलायबल होगा, एक्सटर्नल है तो
ज्यादा रिलायबल होगा, यानी बाहर वाले लोगों से मिला है। लेकिन अगर मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, जो कंट्रोल मैं लगाती हूँ उनको अच्छे से चलाती हूँ, तो तुम क्या सोच सकते हो कि मैम के यहाँ जो इंटरनली भी एविडेंसेस मिलते हैं ना, वो भी क्या हो सकते हैं, रिलायबल हो सकते हैं। कब मानोगे इंटरनल एविडेंसेस को रिलायबल? इंटरनल एविडेंसेस को रिलायबल कब मानोगे? जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी की बात आई थी। जहां जहां से मैं एक आइटम को लेके सबूत इकट्ठे कर रही हूं, अगर वो सारे सबूत सेम आ रहे हैं तो दैट मींस वो आइटम सही है, और अगर इनकंसिस्टेंसी आ रही है सबूतों में तो मुझे और प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे तह तक जाने के लिए कि आखिरकार जहां जहां से भी सबूत ले रही हूं सब लोग अलग अलग बातें क्यों कह रहे हैं। सो इनमें क्या लिखा, एविडेंसेस थ्रू डिफरेंट सोर्सेस शुड बी कंसिस्टेंस। एक आइटम को लेके जितने भी सबूत मैं लूं वो सारे सेम होने चाहिए। इफ इनकंसिस्टेंट मोर ऑडिट प्रोसीजर्स, हम उसे छोड़ नहीं देंगे, हमें और ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, नेचर के बेसिस पे ओरल, रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट्री, सोर्सेज के बेसिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर हमने क्या किए थे, मेथड्स। अब हमारे पास ये बात आई थी कि एक है हमारे कैसे कैसे आपको क्या लगाने हैं, कैसे कैसे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। दूसरी चीज क्या थी, जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होगे तो असलियत में क्या क्या चीजें आप लगाओगे, क्या क्या मेथड्स आप यूज करोगे सबूतों को प्राप्त करने के लिए। प्रोसीजर आपको यह नहीं बताएगा कि कैसे कैसे सबूत इकट्ठे करो, प्रोसीजर बताएगा ये तरीका है, इस तरीके को फॉलो कर लो और आपको क्या मिल जाएंगे, सबूत मिल जाएंगे। अब प्रोसीजर हमने आधा किया था, लेकिन हमने मेथड्स कर लिए थे कि क्या क्या मेथड आप लगाओगे सबूत इकट्ठे करने के लिए। कौन से थे हमारे, आई सी ए आई ओ आर, जरा बताओ, आई सी ए आई ओ आर, आई इंस्पेक्शन, यानी हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को जाके क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हैं, चाहे वो पेपर फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जाके देखना, एग्जामिन करना इज इंस्पेक्शन। सी कॉम्प्यूटेशन, किस लिए करते थे कॉम्प्यूटेशन, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि हाँ मैनेजमेंट तुमने तो कर दी, लेकिन मैं भी क्या करूंगा, दोबारा कंप्यूट करके देखूंगा कि जो तुमने किया है वो सही है या नहीं। ए से क्या था, एआरपी, अभी 520 चैप्टर नंबर 8 आएगा। फिर आई क्या थी, अलग अलग लोगों से इंक्वायर किया और कंफर्म किया कि जो बात हमारे सामने आ रही है वो सही है या नहीं। ओ ऑब्जर्व किया, क्या हो रहा था इसमें, हम सिर्फ, तुम जब आए थे मेरी कंपनी में तुम क्या कर रहे थे, बैठ जा रहे थे और मेरे यहाँ के कुछ लोगों को तुमने क्या कर दिया था, एक प्रोसेस को करने को दे दिया था और तुम बैठ के उसे क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। इस ऑब्जर्वेशन में एक पॉइंट और आता है, जब तुम आए तुमने कहा कि विनोद आओ जरा बुक्स को तुम क्या करो, एक एक करके उठा के रखते जाओ, मैं देखता जाऊंगा, तब तक क्या ये प्रोसेस चलेगा जब तक तुम वहां पे बैठे हो। लेट से तुम कह के चले गए कि अभी मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब तक तुम काउंट करते रहना, तो जिस सही तरीके से या फिर जिस एफिशिएंसी से वो ऑब्जर्वेशन हो रही थी जब तक तुम वहां थे, क्या वो अब कम एफिशिएंसी से होगी? ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक ऑडिटर देख रहा है, खुद ऑब्जर्व कर रहा है, वो प्रोसेस अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर ऑडिटर चला गया तो क्या वो काम तो करते रहेंगे लेकिन उनका जो एक एफर्ट था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लास्ट में री परफॉर्मेंस, कोई प्रोसेस, जैसे हमने क्या किया था, बीआरएस, क्या मैनेजमेंट भी अपना बीआरएस बनाता है? यस बनाता है, लेकिन उस प्रोसेस को मैं री परफॉर्म करके देखती हूं कि क्या जो मैनेजमेंट ने किया हुआ है वो सही किया हुआ है या नहीं। सो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, दीज आर द मेथड्स। फिर हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था वो क्या था, वॉट वॉज दिस, ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम क्या था, रैप, जरा रैप को पढ़ो और याद करो कल हमने क्या किया था। ऑडिट प्रोसीजर में सिर्फ हमने एक छोटी सी बात की थी कि सबसे पहले प्रोसेस समझाया गया कि कैसे सबूतों को इकट्ठा करना है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आया क्या,
रिस्क को असेस करने वाले प्रोसीजर। इसमें तुम रिस्क की क्या कर रहे थे कि मैम के यहाँ कितना रिस्क होगा कितना नहीं, उसका सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे थे, एक अनुमान लगा रहे थे। और ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का अनुमान तुमने कैसे लगाया था, ये रिस्क की मैम क्या कितना रिस्क हो सकता है यार, मैम के इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं या नहीं है, इन सब के बारे में तुमने सिर्फ एक एस्टिमेशन, एक अनुमान, एक अंदाजा लगाया था। वो कैसे लगाया था तुमने, एंटिटी को, मेरे को क्या क्या करके, मेरी एंटिटी को अंडरस्टैंड करके, मेरे इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करके और मेरे एनवायरमेंट को समझ के। तो तुमने मेरी एंटिटी को समझा, मेरे एनवायरमेंट को समझा और मेरे यहाँ के इंटरनल कंट्रोल्स को समझा कि मैम की एंटिटी क्या क्या करती है, कैसे करती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मैम के यहाँ पर रिस्क है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, कैसे काम करती हैं, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, मेरे बारे में जाना था तुमने। मैम ने इंटरनल कंट्रोल्स तो जगह जगह लगा रखे हैं, लेकिन क्या उनके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। मैम से जानकारी लेते हुए तुमने एक एस्टिमेशन लगाया था कि इनहेरेंट रिस्क कितना होगा और कंट्रोल रिस्क कितना होगा। क्या हमने कल ये पार्ट पढ़ा था, ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं, थोड़ा सा उसे रिवाइज करते हैं। ऑडिट रिस्क के क्या क्या कंपोनेंट्स थे, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता था कि आखिर में जाके हमारा ऑडिट रिस्क कैसा रहने वाला है और कैसा नहीं, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क क्या था, हमने क्या कहा था कि एक ऐसी सस्पेक्टेबिलिटी है, तुम ऐसा सस्पेक्ट करते हो मेरे आके कि मैम के यहां पर कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा, कोई भी अकाउंट बैलेंस या कोई भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मैम की क्या होगी, गलत होगी ही होगी, क्या अज्यूम करते हुए कि मैम के यहां कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है। सो इनहेरेंट रिस्क हमने कैसा रखा था और लेस देन हाई। फिर हम आए थे अपने कंट्रोल रिस्क पे। कंट्रोल रिस्क क्या था कि कंट्रोल्स, व्हाट इज कंट्रोल रिस्क, अच्छा बताओ अगर कंट्रोल्स मेरे यहां अच्छे हैं तो गलती कम होगी, चेकिंग मुझे कम करनी पड़ेगी और कंट्रोल रिस्क भी, कंट्रोल्स अच्छे हैं तो कंट्रोल्स अच्छे हुए हमारी गलतियां होने के चांसेस कम, चेकिंग ऑब्वियसली गलती होने के चांसेस कम है तो हम चेकिंग कम कर सकते हैं, यानी कंट्रोल्स के गड़बड़ होने का रिस्क भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे आता है, अगर कंट्रोल्स हमारे अच्छे नहीं है तो गलती होने के चांसेस ज्यादा और चेकिंग भी हमें कैसी करनी है, ज्यादा, यानी कंट्रोल रिस्क यहां पे हमारा कैसा है, ज्यादा है। सो व्हाट वाज कंट्रोल रिस्क, क्या था कंट्रोल्स का रिस्क कि इंटरनल कंट्रोल्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्या काम होता है इंटरनल कंट्रोल्स का, गलतियों को सही टाइम पे प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करना। अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल्स पीडीसी ऑफ गलतियां, अगर मेरे इंटरनल कंट्रोल्स पीडीसी ऑफ गलतियां टाइम पे कर रहे हैं तो वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे इंटरनल कंट्रोल्स क्या कर रहे हैं, पीडीसी ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं कर पा रहे, दैट मींस मेरे यहां कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। सिंपल सी बात हो गई। सो मैंने कंट्रोल रिस्क को ज्यादा ले लिया और इनहेरेंट रिस्क को ज्यादा ले लिया। अब मुझे गलतियां ना ढूंढ पाऊं इस चीज का रिस्क कैसा रखना है, इस चीज का रिस्क कम रखना है, तभी जाके मेरा ऑडिट रिस्क क्या हो पाएगा, तभी जाके मेरा ऑडिट रिस्क कम हो पाएगा, ठीक है। तो अब तुम लोगों ने ये रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो एंटिटी में हो सकता है, ये रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, ये तुमने अभी सिर्फ क्या किया है इस रिस्क के बारे में, एक आइडिया लगाया है। क्या असली में ये रिस्क है, क्या असली में मेरे इंटरनल कंट्रोल्स खराब हैं या सही हैं, ये बारे में तुमने कोई अभी सबूत तो नहीं लिया ना, क्या अभी कोई फर्दर प्रोसीजर किया है, नहीं, अभी सिर्फ रिस्क असेस करने का क्या किया है, एक एस्टिमेशन लगाया है, एक प्रोसीजर किया है मेरे बारे में जान के, मेरे इंटरनल कंट्रोल के बारे में जान के और मेरे एनवायरमेंट के बारे में जान के। इसके बेसिस पे अब तुम क्या सोचोगे कि यार ठीक है, बातें करने से तो लगता है कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कम है, लेकिन अब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ना चलो आगे चलते हैं और असली हद में जाके चेक करते हैं कि मैम के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। अभी तुमने सिर्फ मुझसे बात की और मेरे रिस्क को असेस कर लिया, दैट्स इट।
ट्रैप में कोई प्रोसीजर कंडक्ट नहीं किया है तुमने, तुमने अभी सिर्फ जाके क्या किया है, आपस की बातचीत से अंडरस्टैंड करके एंटिटी को, एनवायरमेंट को और उसके इंटरनल कंट्रोल को एक अनुमान लगा लिया कि मेरे हिसाब से ना गलती होने के चांसेस या तो ज्यादा है या तो कम है। लेकिन इस अनुमान को जस्टिफाई करने के लिए अब तुम क्या कहते हो कि चलो मैं क्या करके देखता हूं, अब असलियत में जाके मैम के यहाँ काम करता हूं। तो जब तुम मेरे यहां पर आओगे अब तुम करोगे क्या, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अभी तक तुमने सिर्फ क्या किया, रैप यानी रिस्क को असेस करने वाले प्रोसीजर्स करे, अब तुम मेरे यहां के क्या करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करोगे। तो जब तुम मेरे यहां फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने आए तो इसमें मेरे यहां तुम दो टाइप की चेकिंग करोगे। सबसे पहले तुम चेक करोगे मेरे इंटरनल कंट्रोल्स को, यानी इसको हम और क्या कहते हैं, टेस्ट करेंगे हम अपने कंट्रोल्स को, या हम देखेंगे कि मैम ने जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं मैम उनके साथ कंप्लाई करती भी है या नहीं करती। फर्स्ट थिंग दैट यू विल इन रियलिटी चेक क्या है, इंटरनल कंट्रोल। क्या अभी तक कोई रियलिटी चेक हो रहा था रैप में? रियलिटी चेक नहीं था, वो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट निकाल लिया था। अब अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए क्या करना है, सच में फैप करना है, प्रोसीजर करने हैं। तो प्रोसीजर में असलियत में आके सबसे पहले किस चीज को चेक करोगे, मेरे इंटरनल कंट्रोल्स को, कि क्या मेरे इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं, देखो यहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग होगी। इसे हम क्या देखेंगे, टू चेक द ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आप असली हद में चेक करोगे कि मैम के यहां जो इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो इफेक्टिवली काम करते हैं या नहीं, उससे होगा क्या। अभी तक एक अनुमान लग गया, ठीक है हमने एक अनुमान लगा लिया, लेकिन अब हम असलियत में क्या करने आ गए हैं, मैम क्या, मैम के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने आ गए हैं। चेक करने से क्या होगा, या तो तुम्हें पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या तुम्हें पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है। अगर मेरे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे निकलते हैं, ठीक है कि मैम के यहाँ सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो तुम्हारे आगे का काम कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, आगे का काम कम हो जाएगा। तो अभी हम ना इन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे नहीं जा रहे, अभी हम असली हक में किसको चेक कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को, और क्या देखेंगे कि इनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसी है। मैम बातें हो गई, हमने अपना अनुमान लगा लिया, लेकिन आ गए क्या चेक करने, आपके इंटरनल कंट्रोल्स को असली हक में चेक करने कि क्या आपने उन्हें प्रॉपरली बना रखा है, क्या वो प्रॉपरली चलते हैं। और ऐसा तो नहीं है मैम कि बस वो दो दिन चले उसके बाद वो चलने बंद हो गए, क्या वो थ्रू आउट द पीरियड चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अब वो टाइम है जब हम असलियत में इन्हें क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये तुम्हें क्या बता रहा है प्रोसीजर, कि इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर लेना। प्रोसीजर ने, ध्यान से सुनो, प्रोसीजर ने क्या बताया कि पहले एक अनुमान लगा लेना, फिर मैम क्या जाना इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक कर लेना, उसके बाद मैम क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कर लेना। दिस इज व्हाट द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या बता रहा है, पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना। तुम्हारा एक क्वेश्चन आना चाहिए, बट हम ये करेंगे कैसे, तुमने क्या कहा कैसे करोगे, क्या कोई बता सकता है, मेथड से करेंगे। प्रोसीजर इज व्हाट, ये करना, तुम्हें पहले रिस्क को असेस करना है, फिर तुम्हें जाके इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करनी है, उसके बाद तुम्हें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने हैं। ठीक है मैम, सारा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन जब हमें जो चीज अचीव करनी है उसको असली हद में करेंगे कैसे, दैट इज हमारे पास अलग अलग ICAIOR है, जहां जहां जो जो रिक्वायर्ड है वो लगा लो और क्या कर लो, सबूत इकट्ठे कर लो। सो क्या एक फ्रेमवर्क बन पा रहा है कि वॉट इज द प्रोसीजर, और हर प्रोसीजर को के लिए हम अलग अलग मेथड्स का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो हमारे ऑडिट प्रोसीजर में जब हमने डिवाइड किया तो एक तरफ क्या आया, रैप, रैप के बाद अपने प्रोफेशनल जजमेंट को लगाते हुए हम क्या करेंगे, फैप। असलियत में काम किन प्रोसीजर्स में हो रहा है, फैप में। फैप को भी हमने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। जब तुम असलियत में मेरे यहां काम करने आते हो तो बताओ, आते ही क्या मेरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन चेक करना शुरू कर देते हो, सबसे पहले क्या चेक करते हो मेरे यहां के, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मैम ने अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे से लगाए हैं, सारा काम एज पर द कंट्रोल्स हो रहा है, तो मैम के आगे यहां की ट्रांजैक्शंस भी ठीक होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, क्या वो सही से काम करते भी हैं या नहीं करते। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी क्या है, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हम असलियत में आ गए हैं काम करने, और हम किस चीज को चेक कर रहे हैं मैम के, इंटरनल कंट्रोल्स की
ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं. उसके लिए ना हमें इंटरनल कंट्रोल्स का नेचर जो मैंने अपने यहां लगाए हुए हैं, किस टाइम पे मैंने अपने आप इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं और किस हद तक तुम्हें उसको चेक करना है, इन तीनों बातों पे तुम ध्यान दोगे और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे. क्या अब मैं कह सकती हूं कि इस चेकिंग के बाद, ये जो असलियत में चेकिंग हुई है, इस चेकिंग के बाद तुम ये कंक्लूड कर पाओगे, क्या कंक्लूड कर पाओगे कि मैम के इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या अच्छे नहीं है. ये बात तो हमने रैप में भी कर ली थी, रैप में. लेकिन हमने क्या किया था, अंडरस्टैंडिंग से तुमने बस एक अनुमान लगाया था कि मैम के इंटरनल कंट्रोल्स लग अच्छे रहे हैं, काम कुछ नहीं किया था. लेकिन यहां पर आकर, मेरे यहां पे आके तुम काम करोगे और देखोगे कि मैम के इंटरनल कंट्रोल्स की नेचर क्या है. नेचर में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तुम इस बात को लेके सबूत इकट्ठे करोगे कि मैम आपने इन इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे लगाया था, इन कंट्रोल को लगाने के लिए इंटेंशन क्या थी. जब आप लगा रहे थे तो आपकी बहुत कैजुअल अप्रोच थी कि यार चल लगा दे इंटरनल कंट्रोल, कोई बात नहीं, नहीं भी चलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाउ यू हैव अप्लाइड दीज कंट्रोल्स, क्या इंटेंशन थी आपकी जब आप इन कंट्रोल्स को लगा रहे थे, कि सच में आप इन कंट्रोल्स के तहत काम करना चाहते हो या फिर बस लगा दे बाद में देखेंगे जो होगा. से इस बारे में जान के क्या होगा, सबूत इकट्ठे कर रहे हो कि मैम के इंटरनल कंट्रोल का नेचर क्या है, ठीक है, कैसे लगाए गए थे मैम क्या इंटरनल कंट्रोल्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बाय हुम दे वर अप्लाइड. इसका क्या मतलब होगा, इंटरनल कंट्रोल किसने लगाया था, क्या वो पर्सन जो आपके यहां इंटरनल कंट्रोल लगा रहा है वो ऑथराइज है कि वो उस इंटरनल कंट्रोल को लगा सके. अगर कोई इंटरनल कंट्रोल मेरे यहां लगना है, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना है, सो ऑब्वियसली बात है ना, हायर लेवल मैनेजमेंट ही वो सिस्टम लगाएगा. हुम दे वर अप्लाइड, किसने लगाया, ठीक है, सो ऐसा पर्सन ही लगा रहा है क्या जो ऑथराइज्ड है, यस ऐसा पर्सन ही लगा रहा है. सो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स का नेचर जान रहे हैं कि कैसे लगाए, किस माइंडसेट से लगाए, किस अप्रोच से लगाए आपने, किस ने लगाए, और लास्ट में कंसिस्टेंसी विद विच देवर अप्लाइड. मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंसी विद विच देवर अप्लाइड, क्या था आपका नेचर कि आपने उसे सिर्फ दो तीन दिन के लिए लगाया था, या आपके माइंड में यह था कि वो इंटरनल कंट्रोल कंसिस्टेंसी से चलता रहेगा. हम चेक करेंगे बायोमेट्रिक आज भी चल रहा है या नहीं चल रहा. आपने मैम लगाया था बायोमेट्रिक, किसने लगाया था, सर ने लगाया था, क्या कंसिस्टेंसी थी, हमारा मोटिव क्या था, सॉरी हमारा मोटिव था कि वो कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली चलता रहे, ये नहीं कि सिर्फ दो दिन चले उसके बाद ना चले. सो इन सारी बातों को तुम क्या कर रहे हो, अच्छे से जांच पड़ताल करके इनके सबूत ले रहे हो कि यस किसने लगाया था, अप्रोच रखते हुए लगाया था, और आज तक भी उसी तरीके से उसी कंसिस्टेंसी से इंटरनल कंट्रोल चल रहा है या नहीं. तीनों चीजें तुम्हें पता चल गई, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तुम कहते हो ठीक है यार कैजुअल अप्रोच नहीं थी, ये उस इंटरनल कंट्रोल को अच्छे से क्या करना चाहते थे, काम करना चाहते थे, अच्छे से ऑथराइज्ड पर्सन ने ही लगाया था. ये नहीं कि किसी ने भी आके यहां पे क्या लगा दिया, बायोमेट्रिक लगा दिया, और कंसिस्टेंसी विद विच देवर अप्लाइड, ये नहीं कि नया नया स्टाफ आया है तो बायोमेट्रिक लगा दिया, उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी क्या हो गई, खराब हो गई. सो हमने नेचर जानी. नेक्स्ट हमने क्या जाना, अब तुम जान रहे हो असलियत में मेरे यहां पर आकर, ठीक है, टाइम क्या कहते हैं, किसी भी इंटरनल कंट्रोल का टाइम क्या है. कोई इंटरनल कंट्रोल मेरे यहां पर ऐसा भी होगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा, कोई इंटरनल कंट्रोल मेरे यहां ऐसा भी होगा जो थ्रू आउट द ईयर चलता होगा. ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो, कोई इंटरनल कंट्रोल जो मैं पूरे साल में सिर्फ कुछ टाइम के लिए लगाती हूं, और कोई इंटरनल कंट्रोल जो मेरे यहां थ्रू आउट चलता है. थ्रू आउट का बताओ, चलो बायोमेट्रिक हो गया, तुम्हारी अटेंडेंस होती है क्या थ्रू आउट द बैच, यस ठीक है. पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कुछ आइडिया लगा सकते हो, कौन से कंट्रोल मैं लगाती होंगी. यस, जब रिजल्ट आता है उसके बाद, जैसे हम क्लोथिंग में जाएं या यहीं पर आएं अपने इंस्टीट्यूट में, जब रिजल्ट आ जाता है तो जो स्टाफ एडमिशंस करा रहा है उस कंट्रोल्स जो मैं लगाती हूं उस टाइम के लिए, वो क्या सिर्फ वो दो महीनों के लिए होते हैं, यस वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं. जैसे इस टाइम मिंत्रा पे सेल चल रही है, अमेजोन पे सेल चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कंपनी वालों ने कंट्रोल को इस टाइम के लिए, कुछ ऐसे कंट्रोल होंगे जो सिर्फ कब के लिए आए होंगे, अभी के लिए आए होंगे, कि आप जब भी जाओ तो बता के जाओगे आज आपकी कितनी सेल हुई है. जनरली कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इस ड्यूरेशन में ये कंट्रोल लगाया गया है. सो एज एन ऑडिटर तुम मेरे पास आओगे और क्या पूछोगे कि मैम आपके पास कौन से कंट्रोल्स हैं जो आप थ्रू आउट द ईयर चलाते हो,
और आपके पास कौन से कंट्रोल्स हैं जो आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाते हो? क्या तुम चेकिंग दोनों पे करोगे कि जो पर्टिकुलर टाइम पे थे क्या वो पर्टिकुलर टाइम पे चले, और जो थ्रू आउट चलने थे क्या वो थ्रू आउट द पीरियड चले? ये चेकिंग कैसे होगी? जैसे अटेंडेंस रजिस्टर हुआ, ठीक है, तो तुम देखोगे कि हाँ यार रोज की प्रेजेंट लगी हुई है। अब ये चीज नहीं बताई जा सकती कि मैम ने लगाती हो रोज की प्रेजेंट, हम एरर्स को साइड लेके चल रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे आके इंटरनल कंट्रोल को चेक कर रहे हो, क्या पूरे बैच के टाइम लिए या फिर सिर्फ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लिए? क्या ये जो अटेंडेंस होती है ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है, थ्रू आउट द बैच होती है? थ्रू आउट द बैच होती है ना। सो ये वाला किस में आ जाएगा? थ्रू आउट द ईयर में आ जाएगा। और पर्टिकुलर टाइम के लिए भी कोई कंट्रोल लगता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आने के बाद मैं एक कंट्रोल लगा देती हूँ कि मिनिमम आपको 200 कॉल्स करनी है और वो रिकॉर्ड करके जानी है। ये मैंने एक कंट्रोल सिर्फ कब लगाया है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो ऑडिटर आकर क्या चेक करेगा कि क्या वो कंट्रोल जो एक टाइम के लिए लगा था वो इन्होंने अच्छे से क्या किया है, उसका पालन किया है। सो अभी क्या कर रहा है ऑडिटर, वापस बार बार हमें क्वेश्चन पे आना पड़ेगा उससे रिलेटेड रहने के लिए। ऑडिटर मेरे यहां आया है और वो मेरे इंटरनल कंट्रोल्स की नेचर, मेरे इंटरनल कंट्रोल्स का टाइम, कब कब के मेरे इंटरनल कंट्रोल्स थे और एक्सटेंट ऑफ दोज इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर रहा है कि इंटरनल कंट्रोल्स की एक्सटेंट में क्या देखेगा ऑडिटर, कि मैं फ्रीक्वेंसी, मैम के इंटरनल कंट्रोल्स कितनी बार चेक करूं, मैम इंटरनल कंट्रोल्स कितनी बार चेक करूं, क्या स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट में चेक कर लिए थे सफिशिएंट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस ऑडिट चल रहा है, तो जब मैंने स्टार्टिंग में आया था चेक कर लिए थे, लेकिन मुझे लग रहा है चेंज हो सकते हैं, तो मैं क्या करूं, साल में ना 5 बार करता हूं। और ऑडिट में हो सकता है साल में क्या करने पड़े, हर महीने में इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़े। और लेंथ ऑफ टाइम कितनी टाइम पीरियड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार करूं और कितनी देर तक मैम के इंटरनल कंट्रोल्स को मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। रेट ऑफ डेविएशन, डेविएशन का क्या मतलब होता है, डेविएशन का क्या मतलब होता है, जो एक्चुअली में आना चाहिए था और जो रिजल्ट आ रहा है उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, सो तुम लोग क्या चेक करोगे, मैम ने कंट्रोल लगाया तुम्हारे हिसाब से उसका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है, सो दैट इज द डेविएशन। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल ने अपनी वर्किंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या गड़बड़ छोड़ी है, yes, तो वो डेविएशन अगर आ रही है सो वो क्यों आ रही है। और लास्ट में रेलिवेंस और रिलायबिलिटी, क्या जो इंटरनल कंट्रोल मैम ने लगाया है उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वो सही से काम करेगा, पता चले बायोमेट्रिक के अंदर के सिस्टम्स ही सही नहीं है, और क्या वो रेलिवेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेलिवेंट कंट्रोल का क्या मतलब है, कंट्रोल रेलिवेंट कि उस पर्टिकुलर कंट्रोल की मैम के यहां पर जरूरत है या नहीं है। कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं, हमें कौन से कंट्रोल्स देखने होते हैं, सिर्फ वो कंट्रोल्स देखने होते हैं जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, मैं कैसे इंप्लॉइज को सिलेक्ट कर रही हूं इससे कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे ऑडिट की, लेकिन हाँ मैं सैलरी कैसे दे रही हूं, मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैसे बांटती हूं, इन सबसे क्या है हमारा, इस पे क्या कंट्रोल्स लगे हैं, ऑल दोज कंट्रोल्स आर रेलेवेंट फॉर ऑडिट, ऑडिट के लिए वो रेलेवेंट होते हैं। तो कंट्रोल की रेलेवेंस कि एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल सेल से रिलेटेड अलग अलग कंट्रोल लगे हुए होंगे, सेल से रिलेटेड कि डेटर आए तो उससे इस टाइम पे मांगने हैं, ये करना है वो करना है, सारे कंट्रोल्स लगे हुए हैं, तो क्या वो रेलेवेंट है, यस दीज कंट्रोल्स आर रेलेवेंट। तो ये एक्सटेंट में मैंने क्या चीज देखी कि इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग मैं किस हद तक करूंगी, फ्रीक्वेंसी कितनी बार करूंगी, कितनी देर तक करूंगी, जो डेविएशन आ रहा है क्या ऑडिटर को उसको भी देखना है, व्हाट इज डेविएशन, कि जो इंटरनल कंट्रोल के लगने से रिजल्ट आना चाहिए था अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है दैट इज द डेविएशन, और ये पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल जो मैम ने लगाया है क्या ये रिलायबल है और क्या ये इस आइटम के लिए रेलिवेंट भी है, क्या मैम को यहां पे ये कंट्रोल लगाना भी चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था। तो उस चीज को देख के मेरे को क्या पता चलेगा कि मैम के यहाँ के इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या खराब हैं। सो तुम जब मेरे यहां आओगे क्या चेक करने आओगे और क्या चेक करोगे, सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल्स, उनकी क्या ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस, वो ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस कैसे चेक होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंट्रोल, टाइमिंग ऑफ द कंट्रोल एंड एक्सटेंड ऑफ चेकिंग ऑफ द कंट्रोल। नेचर में किसने कैसे लगाया, किसने लगाया, कितनी शिद्दत से लगाया, ठीक है, तीन बातें कि नेचर क्या है कंट्रोल की, बताओ जरा कैसे लगाया, किसने लगाया और कितनी शिद्दत से लगाया, दिस इज द नेचर ऑफ द कंट्रोल, हाउ दे वर अप्लाइड,
by whom they were applied and the consistency with which they were applied. इससे मुझे पता चल जाएगा internal controls की nature क्या है. Timing में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का था वो इंटरनल कंट्रोल या वो इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द ईयर के लिए था, दोनों चेक कर लिए. एक्सटेंड में फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ टाइम. डेविएशन हुआ, होना ऐसा चाहिए था, रिजल्ट ऐसा आया, डेविएशन हुआ. और क्या वो आर आर था, क्या वो रेलिवेंट और रिलायबल था. इन सब बातों को इंटरनल कंट्रोल्स की असलियत में जाना और उसके बाद डिसाइड किया क्या इंटरनल कंट्रोल सच में, क्योंकि रैप में हमने क्या किया था, क्या रैप में भी इंटरनल कंट्रोल्स पे एक जजमेंट दी थी? हाँ दी थी, बट वो सिर्फ एक अनुमान था. अब हमने असलियत में क्या कर लिया, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर लिया, उनकी ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस को चेक कर लिया डिपेंडिंग अपॉन द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स. ठीक है, तो दोबारा बताओ ये तीनों पॉइंट्स अब हमें याद होने चाहिए. क्या नेचर है इंटरनल कंट्रोल्स की, किसने लगाए, कैसे लगाए, किसने लगाए और कितनी शिद्दत से लगाए, हाउ देवर अप्लाइड, बाय हुम देवर अप्लाइड एंड कंसिस्टेंसी विद विच देवर अप्लाइड. टाइमिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और थ्रू आउट द ईयर. एक्सटेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग, फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन आर आर, रेट ऑफ डेविएशन आर आर, रेलिवेंट एंड रिलायबिलिटी. ठीक है, सो अब हमारे पास एक कंक्लूजन आ जाएगा. हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, बट हमें तो थ्योरेटिकली पढ़ना है ना कि हाँ हमने इंटरनल कंट्रोल को जब चेक कर लिया, सो वी आर विद अ कंक्लूजन वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड और इंटरनल कंट्रोल्स आर बैड. इसका क्या मतलब है कि इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट को टाइमली बेसिस पर प्रिवेंट, पीडीसी प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर लिया जाएगा. इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, इसका मतलब कंट्रोल रिस्क. इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, इसका मतलब कंट्रोल रिस्क कम है. ठीक है, कंट्रोल रिस्क कम है, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं. यहां तक समझ आ गया? उल्टा अगर चले तो यस. और अगर तुम एक बार ये सोचते हो कि मैम के यहां पे कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, दैट मींस कंट्रोल रिस्क कम है, तो इनहेरेंट रिस्क, जो बसा हुआ रिस्क होगा, वो वेरी हाई होगा या लेस देन हाई होगा? लेस देन हाई होगा. ये एक तुम्हारा अब एक क्राइटेरिया बन गया कि असलियत में मैंने क्या कर लिया, मैम के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक किया, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो कंट्रोल रिस्क कम है. तो कंट्रोल से पहले ही गलतियां भी बहुत ज्यादा नहीं होंगी. ध्यान से समझो, अब उल्टा चल रहे हैं. जब असलियत में चेकिंग कर ली कंट्रोल्स की, तो क्या पता चला कि इनके यहां तो इंटरनल कंट्रोल्स का नेचर टाइम एक्सटेंड बहुत अच्छा है. दैट मींस कंट्रोल का रिस्क, ध्यान से सुनो दोबारा, कंट्रोल से रिलेटेड रिस्क. व्हाट इज कंट्रोल से रिलेटेड रिस्क? कि मोटी गलती को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट टाइम पे नहीं किया जा सकेगा, इसके चांसेस कम है. क्यों कम है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, तो कंट्रोल रिस्क कैसा है, कम है. सो अब अगर मैं अज्यूम करूं कि इनके यहां इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा, तो भी गलती होने के चांसेस, डिपेंडिंग अपॉन जो हम इनके यहां कंट्रोल्स देख रहे हैं, तो इंटरनल गलतियां भी बहुत ज्यादा नहीं होंगी, लेस देन हाई होंगी. क्या इनहेरेंट रिस्क को कभी भी जीरो रखोगे? नहीं. ठीक है, सो यहां से हमारे पास क्या आ गया, अपना इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क आ गया. अब आगे कहां जाना है? आगे जाना है असलियत में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को चेक करने. अभी तक हम अकाउंटिंग सिस्टम पे ही नहीं गए, प्रोसीजर पूरा तुम्हें बताया जा रहा है. पहले प्रोसीजर में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक अनुमान लगाया, अनुमान को सच्चा साबित करने के लिए मेरे यहां आ गए. मेरे यहां जब आए तो सबसे पहले क्या चेक कर लिया, मेरे इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर लिया, उनकी ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस चेक कर ली, उनका एनटीई को देख लिया. अब कहां जाओगे? अब जाओगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के सेकेंड पार्ट पे, दैट इज वॉट सबस्टैंटिव प्रोसीजर्स. अब तुम सबस्टैंशली इन डिटेल एक एक ट्रांजेक्शन को क्या करोगे, एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करोगे. क्लियर हुई ये बात? क्या यहां तक का चार्ट समझ आ गया? अगर मैं इस चार्ट की बात करूं, ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन, बहुत धीरे चलना पड़ेगा इसमें, चाहे 10 बार हम इसको रिपीट कर लें, बट ये पूरा माइंड में जाना चाहिए. सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया रैप. रैप क्यों कर रहे हैं, दोबारा बता दो, चाहे तुम्हें पता है रैप क्यों कर रहे हैं,
नो नॉट टू अंडरस्टैंड रैप क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एस्टिमेट करना है जिसके बेसिस पे एनटीई ऑफ फर्दर प्रोसीजर्स हम डिसाइड कर पाएंगे. अब ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कैसे एस्टिमेट करोगे, यहां है वो पॉइंट. कैसे एस्टिमेट करोगे, एक एस्टिमेशन कैसे दोगे कि मेरे में कितनी गलती हो सकती है, मुझे अंडरस्टैंड करोगे, मेरे यहां के एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करोगे, मेरे इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करोगे. यहां पर तुमने मैम के यहां कितने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको तुमने एक एस्टिमेशन दे दी. एस्टिमेशन देके क्या कंक्लूजन दे दोगे, एस्टिमेशन देके कंक्लूजन नहीं दोगे, अपने जजमेंट के हिसाब से चल दोगे कहां पर, एविडेंसेस कलेक्ट करने. फैप मतलब तुम मेरे यहां पे आ गए हो और अब तुम असलियत में कुछ ना कुछ काम कर रहे हो. फैप को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन से, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को और क्या कहते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर. कि बेटा इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करने से ना खाली कुछ नहीं होगा जब तक वो काम नहीं कर रहे और जब तक वो थ्रू आउट द ईयर काम नहीं कर रहे हैं. सो यहां पर उसकी क्या देखोगे तुम, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. कैसे देखोगे, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट से. नेचर टाइम एंड एक्सटेंट बताओ जरा, नेचर में हाउ दे वर अप्लाइड, बाय होम किसने लगाए, और कंसिस्टेंसी विद विच देवर अप्लाइड. टाइम पर्टिकुलर टाइम और थ्रू आउट द पीरियड. एक्सटेंड में फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन आर आर. दोबारा बताओ जरा, एक्सटेंड में क्या है, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन आर आर, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी. हमने बता कर लिया कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं या इंटरनल कंट्रोल खराब हैं. अगर इंटरनल कंट्रोल खराब हैं तो आगे की चेकिंग ज्यादा होगी. इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो आगे की चेकिंग ठीक ठीक होगी, कम होगी. इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं मतलब कंट्रोल रिस्क कम है. इंटरनल कंट्रोल खराब है इसका मतलब कंट्रोल रिस्क ज्यादा है. वॉट इज कंट्रोल रिस्क, कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम टाइमली बेसिस पर PDC नहीं कर पाएंगे. यही तो इंटरनल कंट्रोल्स का रिस्क है. इंटरनल कंट्रोल्स क्यों लगाए गए हैं, काम अच्छे से हो, गलतियां टाइमली बेसिस पर PDC हो जाएं. अब अगर गलतियां टाइमली बेसिस पर PDC नहीं हो रही, दैट मींस आपके इंटरनल कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं. सिंपल सी ये बात आई, ध्यान इधर. उसके बाद अब हम चल दिए क्या, चेक करने सब्सटेंटिवली इन डिटेल एक एक ट्रांजैक्शन को. तो हमने यहां सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में देखो क्या लिख रखा है, तीन बातों में डिवाइड कर रखा है इसको, टेस्ट ऑफ डिटेल, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ठीक है, सो अब सबसे पहली बात, आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करनी है, दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स. लेकिन उससे पहले एक चीज और करनी है, दैट इज Using evidences obtained in previous audits. ध्यान से मेरी बात सुननी है. हमने कहां छोड़ा है, याद रखना ऑडिट प्रोसीजर्स को कहां पर छोड़ा है. अभी हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे नहीं गए हैं. अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि लेट्स से मैं तुम्हारे यहां एक साल तुम मेरे यहां काम करने आए. ठीक है, इसको रिलेट इसी से करना इंपॉर्टेंट है. तुम एक साल मेरे यहां काम करने आए, तुमने मेरे यहां आके रैप किया, क्लियर हुई बात. तुमने प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे फैप का टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस जानी, और क्या किया तुमने, नेचर टाइम एक्सटेंट चेक किया और पता कर लिया कि मेरे इंटरनल अच्छे हैं या मेरे इंटरनल कंट्रोल्स खराब हैं. ठीक है, यहां पर तुमने ये पहले फाइनेंशियल ईयर में पता कर लिया. जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया तब भी तुम ही लोग मेरे ऑडिटर्स थे. क्या हुआ, अब भी तुम ही लोग मेरे ऑडिटर्स हो, तो तुम्हारा मुझसे ये सवाल है या ये सवाल आता है कि क्या ये सारा का सारा प्रोसीजर जो किया हमने पहले साल में, मैम जब हम आपके यहां पहले साल आए थे, हमने रैप किया,
स्टाफ में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, नेचर टाइम एक्सटेंड जाना, आपके यहां हमने पहले साल में ही पता कर लिया था कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है। सो क्या फाइनेंशियल ईयर 2 में जरा बताओ ये वाला प्रोसीजर दोबारा होगा या नहीं होगा? ये कोच कहते हैं होगा, कम की कोई डेफिनेशन नहीं है, कम होगा नहीं, या तो होगा या तो हम करेंगे सारा प्रोसीजर दोबारा या हम नहीं करेंगे। पिछले साल में देख तो लिया था इंटरनल कंट्रोल को, करेंगे या नहीं? ये कहता है चेंजेस तो आते रहते हैं, ठीक है अगले साल चेंज आ गए, लेकिन अगर लेट से अगले साल चेंज नहीं आए तो नहीं करेंगे। तो पॉइंट क्या आ रहा है मैम, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो यहां पर आपको इनको दोबारा करना है या नहीं करना, ये कुछ फैक्टर्स बता देंगे, ठीक है। आखिरकार लर्निंग आएगी, कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में, क्या डिसाइड करने में कि पिछले साल के द्वारा किया गया काम हमें इस साल यूज कर सकते हैं या यूज नहीं कर सकते। हेडिंग क्या है हमारी, यूजिंग ऑडिट एविडेंसेस जो हमने ऑब्टेन किए थे कब, प्रीवियस ऑडिट्स में, क्या हम वो इस साल यूज कर सकते हैं या हम वो इस साल यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात, क्या कंसेप्ट गया कि पिछले साल जो हमने ऑडिट एविडेंसेस लिए थे क्या इस साल उन्हें यूज कर ले? कुछ कहेंगे मैम कर लेने चाहिए, पिछले साल वही इंटरनल कंट्रोल्स थे, इस साल भी वैसे ही होंगे। कुछ कहेंगे नहीं, कुछ चेंज आ गया होगा तो दोबारा करने चाहिए। सो कुछ फैक्टर्स को देख लो, उन फैक्टर्स पे बेस करते हुए क्या कर लेना, देख लेना कि आपको दोबारा करने हैं या आपको दोबारा नहीं करने। सो व्हाट इज द हेडिंग, यूजिंग ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेंड इन द प्रीवियस ऑडिट्स, ठीक है। अब ना इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कैसे कैसे, यहां पर देखो डिवाइडेड है इफेक्टिवनेस में और रिस्क में, इफेक्टिवनेस में और रिस्क में। अब इफेक्टिवनेस डील करेगा पिछले साल के साथ और रिस्क डील करेगा करंट ईयर के साथ। कैसे डील करेगा, 6 के 6 पॉइंट्स आ जाएंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम क्या देखोगे कि पिछले साल जो कंट्रोल्स लगाए थे क्या वो इफेक्टिवली लगाए थे, पहली चीज ये देखी जाएगी। जो पिछले साल इंटरनल कंट्रोल्स लगे क्या वो अच्छे से लगे और क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे थे पिछले साल। हम अभी क्या देख रहे हैं, अगर पिछले साल कंट्रोल्स अच्छे हैं तभी तो यूज कर पाओगे ना इस साल। ध्यान से, मैंने इफेक्टिवनेस और रिस्क क्यों लिखा समझो, इसे पिछले साल के इफेक्टिव कंट्रोल्स हैं अगर तभी तो उन्हें क्या कर पाओगे, इस साल भी वो क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे और तुम्हें दोबारा सबूत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा जरूर होगा कि पिछली बार के जो इफेक्टिव कंट्रोल्स लगे हुए हैं इस साल उनमें क्या आ गया होगा, कोई ना कोई रिस्क आ गया होगा, कोई ना कोई रिस्क, वो चेंज की बात करेंगे, कोई रिस्क आ गया जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर सकते, जो सबूत पिछली बार लिए थे। सबूत क्या मतलब, हमने डिसीजन लिया था ना कि इंटरनल कंट्रोल पिछली बार कैसा था, अच्छा था या गलत था, क्या इस बार भी अच्छा और गलत पिछली बार पे डिपेंड करके ले सकते हैं या इस बार कुछ नया करना पड़ेगा। सो पिछली बार के कंट्रोल्स को क्या लिखा कि कंट्रोल इफेक्टिवली लगे हुए थे या नहीं, और क्या वो लगने से सिर्फ बात नहीं बनेगी, क्या पिछली बार कंट्रोल्स की एप्लीकेशन प्रॉपर थी, ये देखोगे। पिछली बार के इंटरनल कंट्रोल्स, यहां क्या लिखा हुआ है, अदर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल को अराउंड सर्कल करता है उसका एनवायरमेंट। हमने कल पढ़ा था कि कंट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है या कंट्रोल की एफिशिएंसी को घटाता है उसका एनवायरमेंट। तो यहां पर हमने क्या कहा, पिछले साल के कंट्रोल्स इफेक्टिव थे या नहीं, पिछले साल के कंट्रोल्स की एप्लीकेशन इफेक्टिव थी या नहीं, पिछले साल का एनवायरमेंट ऑफ द कंट्रोल्स कैसा था, पिछले साल के कंट्रोल्स पे कितनी मॉनिटरिंग हुई थी और पिछली बार के आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स कैसे थे, क्या ये सब चीजें इफेक्टिव थी पिछली बार। अगर सब चीजें इफेक्टिव थी तो जो सबूत तब हमें मिले थे ना उन्हीं सबूतों को हम अभी मान लेंगे। तब अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा था ना तो आज भी हम क्या मान लेंगे कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, क्योंकि जो कंट्रोल्स इफेक्टिवली पिछले साल काम कर रहे थे वो इस साल भी काम करेंगे। तो उन्हें चेक क्या करना, अगर पिछले साल एनवायरमेंट अच्छा था तो इस साल भी मान लेंगे कि एनवायरमेंट अच्छा है, उसे चेक क्या करना, पिछले साल मॉनिटरिंग हो रही थी तो इस साल भी मान लेंगे मॉनिटरिंग हुई है, उसे चेक क्या करना। ये इफेक्टिवनेस तो कैरी फॉरवर्ड हो गई, लेकिन इस साल कुछ रिस्क भी तो हो सकते हैं, इस साल कुछ रिस्क भी तो हो सकते हैं, जैसे कि पिछली बार जब कंट्रोल लगा था उस टाइम तो बहुत बढ़िया लगा था,
तुमसे मैंने क्या कहा कि पिछली बार अगर एनवायरमेंट अच्छा था तो इस बार भी होगा, मान लेना। मैम कैसे मान लें, रिस्क ये भी तो हो सकता है ना कि पिछली बार जो कंट्रोल था वो मैनुअल था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने विनोद को रखा पिछले साल सफाई के लिए, ठीक है, उस टाइम पर उसने बहुत अच्छी सफाई करी, कंट्रोल, तुम्हें इस टाइम से इस टाइम तक ये सफाई करनी है, इस टाइम से इस टाइम तक ये सफाई करनी है। एनवायरमेंट भी ऐसा था कि मैम टाइम टू टाइम उसे बोलती रहती थी कि सफाई करनी है, मॉनिटरिंग भी हो रही थी, लेकिन वो कब हो रही थी, पिछले साल। क्या पिछले साल कंट्रोल्स इफेक्टिव थे? हाँ, पिछले साल कंट्रोल्स क्या थे, इफेक्टिव थे। तो हम क्या मान सकते हैं कि इस साल भी इफेक्टिव होंगे, लेकिन रिस्क क्या है? वो कंट्रोल कैसा था, मैनुअल कंट्रोल था। वो कंट्रोल कैसा था, मैनुअल कंट्रोल था। हो सकता है कि इस साल क्या हो गया हो, मैनुअल कंट्रोल में चेंज आ गया हो। अब विनोद को क्या लगा कि मैं तो अब परमानेंट हो गया हूं, मैम को क्या लगा कि इसे तो काम आता ही आता है, मॉनिटरिंग भी कम हो गई और उसकी जिस शिद्दत से वो पिछले साल काम कर रहा था वो भी कम हो गया। सो डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोल, कंट्रोल मैनुअल है तो हो सकता है कि यहां पर क्या आ जाए, वो लीनियंट पड़ जाए और रिस्क आ जाए कि हाँ इस साल कंट्रोल अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अगर मैंने कोई मशीन लगाई थी, पिछले साल जो मशीन लगाई थी वो कंट्रोल अच्छा था, कंट्रोल ने काम भी किया, एनवायरमेंट भी सपोर्टिव था, लेट्स से कैश कैलकुलेट करने की मैंने कोई मशीन लगाई थी, तो क्या इस साल में आके उसमें कोई ज्यादा चेंज आएगा? विनोद के काम करने में क्या चेंज आ जाएगा? जो पिछले साल वो काम कर रहा था बहुत अच्छा किया था, लेकिन इस साल चेंज हो सकता है ना वो काम। लेकिन जो कैश की मशीन पहले काम कर रही थी उसमें भी, तो वो क्या वो आज भी वैसे ही काम करेगी? यस ना? क्या दोनों ही, चाहे मैनुअल था या ऑटोमेटिक था, क्या दोनों ही कंट्रोल्स पिछले साल इफेक्टिव थे? लेकिन क्या इस साल ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक मैनुअल चेंज हो सकता है? यस yes. तो अगर तुम कहते हो कि मैम मैनुअल कंट्रोल है, तो क्या जो पिछली बार सबूत लिए थे वो इस बार यूज किए जा सकते हैं? वो इस बार यूज नहीं किए जा सकते। जो पिछली बारों के सबूत थे वो इस बार यूज नहीं किए जा सकेंगे। लैक ऑफ चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांसिस चेंज हुए तो ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे चेंज लाना पड़ेगा, तो पिछली बार के सबूत नहीं यूज हो सकते। पिछली बार मेरा काम सारा लाइफ का था तो उससे रिलेटेड सारे कंट्रोल्स लगे हुए थे और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन चेंज आ गया ईयर एंड में, पेनड्राइव सेल शुरू हो गई, तो उससे रिलेटेड कंट्रोल्स तो लगाने पड़ेंगे ना। उससे रिलेटेड कंट्रोल्स का क्या मैं पुराने साल से कोई रिलेशन ले सकती हूं? नहीं। सो लैक ऑफ चेंज ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस, तो पुराने सबूतों को जो मैंने पिछले ऑडिट्स में लिए थे वो इस साल मैं यूज नहीं कर पाऊंगी। और लास्ट है गलती होने के चांसेस, ये तो हमेशा रहेगा एक रिस्क कि पिछली बार जो गलतियां नहीं थी वो इस साल आ जाएंगी। सो इन छह पॉइंट्स को ना, ये कोई भी अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, आपस में इनको रिलेट करना है और तब देखना है कि पिछले साल लिए गए सबूतों को क्या इस साल भी मैं यूज कर सकती हूं। कैसे यूज करोगे? पिछले बार कंट्रोल्स अच्छे थे, काम कर रहे थे प्रॉपरली, एनवायरमेंट भी था, मॉनिटरिंग भी थी। इस साल मैनुअल कंट्रोल नहीं था, दैट मींस चेंज आने की ज्यादा चांसेस नहीं है, कोई चेंज ही नहीं आया, सर्कमस्टांसेस बदले ही नहीं, तो वो वाला रिस्क भी नहीं हुआ, और गलती होने के चांसेस भी जो मैंने अनुमान लगाया है रैप के थ्रू वो भी ज्यादा मुझे गड़बड़ नहीं लग रहे। तो क्या जो प्रीवियस ऑडिट में ऑडिट एविडेंसेस लिए थे वो इस साल यूज कर लूं? यस कर लूं, क्योंकि इस बार मैं क्या देख रही हूं, इफेक्टिवनेस तो मिल रही है और रिस्क नहीं मिल रहा। लेकिन अगर वही है, पिछली बार सब इफेक्टिवनेस थी लेकिन इस बार क्या हो गया, मैनुअल था तो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से रिस्क आ गया, चेंज हुए जो कि सर्कमस्टांसेस की वजह से वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो छोड़ो यार, जो पिछली बार ऑडिट एविडेंस लिए थे वो इस बार यूज नहीं कर सकते। तो छह के छह फैक्टर्स साथ में रहेंगे और हमें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में, क्या हेल्प करेंगे डिसाइड करने में, कि पिछले सालों में जो हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, पिछले सालों में देखो, जो पिछले सालों में ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं क्या वो इस साल के लिए भी कारगर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर रिस्क कम और इफेक्टिवनेस ज्यादा तो कारगर रहेंगे, और इफेक्टिवनेस कम और रिस्क ज्यादा तो हम उनका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इफेक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, वेदर वी कैन यूज और वी कैन नॉट यूज। ठीक है, तो कौन से छह फैक्टर्स के बारे में बताओगे? तुमसे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, टेल अस द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द रीजन ऑफ यू यूजिंग द ऑडिट एविडेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स और नॉट। तो तुम क्या बताओगे कि अगर हमारे
कंट्रोल्स और उनकी एप्लीकेशन इफेक्टिव है तो हम यूज कर सकते हैं. अगर अगर अदर एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट एंड मॉनिटरिंग इफेक्टिव है पिछले साल तो इस साल हम यूज कर सकते हैं. अगर आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स पिछली बार जैसे ही हैं तो इस साल हम पिछले सालों के सबूत यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोल मैनुअल है तो रिस्की रहेगा एज कंपेयर टू ऑटोमेटिक. अगर चेंज नहीं किया ऑल्दो सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ गया तो हम पिछले साल के सबूतों को यूज नहीं करेंगे. और अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो रैप में किया है वो ज्यादा है तो भी हम क्या नहीं करेंगे, पिछले सालों के सबूतों को यूज नहीं करेंगे. सो ये चीज हमने कहां तक करी, ये चीज हमारी यहां तक आई. अभी हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे गए ही नहीं है, ठीक है. ये हम क्या कर रहे हैं, पिछले सालों के सबूतों को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो देखा है. क्या टेस्ट ऑफ डिटेल्स तो हर ईयर में करनी ही पड़ेंगी, यस. सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स तो हर साल आप लगाओगे ही लगाओगे. तो इसके बाद सिर्फ ये छोटी सी चीज दिखनी है, क्या यूजिंग ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स, तीन इफेक्टिवनेस के और तीन रिस्क के. देखो यहां पे लिखा क्या, ये भी देख लो, पिछले साल के इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया थे. पिछले साल जो था वो सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन इस बार का इंटरनल कंट्रोल का रिस्क देखना होगा. इस बार भी हम वही सबूत ले लें लेकिन उसमें एसोसिएटेड जो रिस्क आ जाते हैं ना वो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, हेडिंग डालिए. अब सिर्फ लेफ्ट साइड में पहले आएगा इफेक्टिवनेस. किया था पक्का बताओ. चलो मैं पूछती हूँ फिर से, वैसे तो ही नहीं रहा. चलो ये लिखो, मैं पूछती हूँ. ठीक है, इफेक्टिवनेस लिख लिया. हुआ? अब राइट साइड में रिस्क के तीन पार्ट्स हैं, लिखो जिसका नहीं हुआ फटाफट.
बस यही तक लिखना है, इसके नीचे नहीं है, अभी मैं इसके नीचे का डायग्राम बनवा दूंगी। हो गया? रिस्क में पिछली बार के सबूत नहीं यूज किए जा सकेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मैनुअल था तो पिछली बार जो सबूत थे हो सकता है वो इस बार ना मिले। रिस्क लिखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल लैक ऑफ चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांस। ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल ईयर इसके नीचे अभी हमने बनाया था ना, वन में फाइनेंशियल ईयर वन की इफेक्टिवनेस चेक करनी है और उससे रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर टू में क्या क्या रिस्क आए हैं हम वो चेक करेंगे। रिस्क इधर जाएंगे और इफेक्टिवनेस इधर जाएगी। हाँ लिखा, चलो तो बताओ अब सारे छह के छह पॉइंट क्या हैं हमारे पास। क्या हम पिछले सालों के सबूतों को इस साल यूज करें या ना करें? पिछले साल ऑलरेडी सारा काम किया था तो क्यों ना जो डिसीजन वहां पे लिया वही इस साल भी ले लें। ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर कंट्रोल्स और उनकी एप्लीकेशन अगर पिछले साल इफेक्टिव थी तो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अदर रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट पिछले साल का अच्छा था और पिछले साल कंट्रोल्स पे मॉनिटरिंग अच्छी थी तो क्या इस साल वो सबूत यूज कर सकते हो? यस कर सकते हैं। दोबारा क्यों लेने हैं? पिछले साल अगर आईटी कंट्रोल्स अच्छे थे तो इस साल भी वो आईटी कंट्रोल्स अच्छे होंगे। दोबारा सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तीन इफेक्टिवनेस से कौन से आए? कंट्रोल्स और उसकी एप्लीकेशन, अदर एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल और आईटी कंट्रोल। सबने बोलना है कौन से तीन इफेक्टिवनेस में बातें आई? कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन, अदर एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट एंड मॉनिटरिंग, और थर्ड आईटी कंट्रोल्स। लेकिन अगर इस साल कुछ रिस्क आ गए ना तो हम पिछले साल जो सबूत लिए थे उनको यूज नहीं कर पाएंगे। इस साल के रिस्क कैसे कैसे? अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोल मैनुअल है तो रिस्क आ गया, नहीं यूज कर सकते। ऑटोमेटिक है तो यूज कर सकते हैं। अगर लैक ऑफ चेंज है, क्यों चेंज में लैक है? क्योंकि पिछली बार सर्कमस्टांसेस अलग थे, इस बार सर्कमस्टांसेस अलग हैं। तो जब सर्कमस्टांसेस ही बदल गए और आपने चेंज नहीं लाया तो पिछली बार के सबूत इस साल यूज नहीं किए जा सकते। और लास्ट, जब आपने इस साल रैप किया ना, इस साल अगर आपने रैप किया तो आपको क्या लगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क ज्यादा लगे, तो आप क्या कहते हो? पिछली बार के सबूतों को हम यूज नहीं करेंगे। ये छह फैक्टर्स हैं जो हमें क्या बताते हैं कि आप पिछले सालों के सबूतों को, द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट्स कैन बी यूज्ड इन द करंट ईयर और नॉट। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? अच्छे से छह के छह पॉइंट्स पिछले साल के, एक बार और बता दो, पिछले साल के कंट्रोल्स अगर इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन, सेकेंड इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल, एग्जाम्पल मॉनिटरिंग एंड एनवायरमेंट, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द आईटी कंट्रोल्स, देन यू कैन यूज द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट्स इन द
करंट ईयर, बट देर आर सम रिस्क ऑल्सो. अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोल पे डिपेंड करेगा कि आप यूज कर सकते हो या नहीं. अगर मैनुअल है तो नहीं यूज कर सकते, ऑटोमेटेड है तो वो सेम रहेगा. नेक्स्ट, लैक ऑफ चेंज. सर्कमस्टांसेस बदले तो आपको भी बदलना था, तो पिछली बार के सबूतों को इस बार यूज नहीं कर सकते. और अगर इस बार रैप करने से ROMM ज्यादा आया है तो आप क्या नहीं करोगे, पिछली बार के सबूतों को यूज नहीं करोगे. सो क्या इससे रिलेट कर पा रहे हो कि पिछली बार की तो इफेक्टिवनेस देख ली और इस साल उससे रिलेटेड क्या रिस्क है वो देख लिया, तब डिसाइड किया. क्या डिसाइड किया? कि पिछले साल लिए गए सबूतों को यूज कर सकते हो या नहीं. ठीक है, तो दो बातें अभी हमने की हैं अभी तक. क्या बात की आज की क्लास में? एक तो ये वाला पॉइंट किया और दूसरा पॉइंट कौन सा किया? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया. अब नेक्स्ट पॉइंट जो करना है एंड द लास्ट पॉइंट जो हमें करना है, दैट इज टेस्ट ऑफ. अब क्या होगा? अब हमें हर डिटेल को असलियत में चेक करना है. रीजन मींग ये हमारा स्टैंडर्ड आएगा 505 और ये हमारा स्टैंडर्ड आएगा 520. तो आज हम खत्म कर देंगे कौन सा स्टैंडर्ड जो कब से कर रहे हैं, दैट इज 500. कौन सा स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा? 500 खत्म हो जाएगा. टेस्ट ऑफ डिटेल्स. अब क्या करना है? हर डिटेल को, डिटेल मतलब हर डिटेल को अब तुम चेक करोगे सब्सटेंशियली. सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगा के अब इंटरनल कंट्रोल से लेना देना नहीं है. इंटरनल कंट्रोल तुमने चेक कर लिए कहां? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में. अब तुम आ गए हो सब्सटेंशियली मेरी हर डिटेल को चेक करने के लिए. डिटेल कहां दी गई होंगी सारी? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे असेट में और लायबिलिटी में, ठीक है, कुछ चीज लिखी हुई है. लेट्स से प्रॉपर्टी लिखी है या फिक्स्ड असेट लिखा है. फिक्स्ड असेट लिखा है 2 करोड़ का. हमारे करंट असेट्स में हमारा कैश लिखा है 10 लाख का. तो जब तुम इसको पढ़ते हो तो क्या ये एक एक आइटम है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या एक एक चीज है जो मैनेजमेंट तुमसे कहना चाहता है, जो मैनेजमेंट बता रहा है ऑडिटर को? मैं जब बता रही हूं तुम्हें, क्या बता रही हूं? मेरे फिक्स असेट्स हैं 2 करोड़ रुपए के. सो क्या ये वो बात है जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहती हूं और मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूं कि मेरे पास फिक्स असेट्स हैं 2 करोड़ रुपए के? सो ये बात को ना एक नया वर्ड आता है हमारा, अजर्शन. एक नया वर्ड है, वॉट? अजर्शन. किसी भी आइटम को देख के तुम जो जो उसके बारे में बोलते हो ना, उसको हम क्या कहते हैं? अजर्शन कहते हैं. किसी भी एक आइटम को देखा, उसके बारे में जो भी टिप्पणियां निकली मन से, दैट इज यू आर अजर्टिंग दैट दोस थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर आइटम. ठीक है, तो इसको देख के, जो हमारी फिक्स्ड असेट्स हैं इनको देख के जब तुमने देखा ये किसने कहा, कौन ये बता रहा है, अजर्ट कौन कर रहा है ये बात, मैनेजमेंट या ऑडिटर? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट नहीं तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अजर्ट किया हुआ है ना कि मेरे फिक्स्ड असेट्स 2 करोड़ के हैं. तुम इसके बारे में बताओ क्या क्या कह पाओगे? फिक्स असेट्स को देखा 2 करोड़ के हैं, क्या क्या कह सकते हो इसके बारे में? और नहीं, अभी तुम्हारा एज एन ऑडिटर माइंड नहीं चलाना, अभी तुम्हें एक नॉर्मल बात बतानी है कि लेट्स से तुम्हारे पापा तुमसे एक बैलेंस शीट में पूछते हैं कि बेटा ये 2 करोड़ लिखा हुआ है फिक्स असेट्स है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अभी ये नहीं, तुम्हें ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दो, अभी सिर्फ ये सोचो कि कहीं तुम्हें लिखा मिला कि फिक्स्ड असेट्स या कैश 10 लाख का है, तो तुम क्या अजर्ट कर सकते हो इस कैश के बारे में? यस, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि इस फर्म यानी इस कंपनी के पास ये 10 लाख का कैश है, या फिर इसके पास ये 2 करोड़ के क्या है? फिक्स्ड असेट्स हैं. और कुछ? और क्या कह पाओगे बैलेंस शीट में इस चीज को देख के? कंपनी स्ट्रांग है. ठीक है, क्या ये कह पाओगे कि इस यहां पे ना लिखा होता है कि अगर फिक्स असेट्स किस पे होते हैं? चार्ज पे होते हैं. अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या और अजर्ट कर पाओगे कि हमारे जो ये सारे असेट्स हैं ना इस कंपनी के, इनमें कोई भी असेट चार्ज पर नहीं चढ़ा हुआ? क्या तुम ये भी कह पाओगे कि हाँ ये असेट साइड डिस्क्लोज होनी चाहिए थी तो ये असेट की साइड पर डिस्क्लोज है? दीज आर वॉट द थिंग्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ योर माइंड व्हेन यू आर सीइंग अ पर्टिकुलर आइटम. सो वॉट इज अजर्शन? हमने यहां पर क्या लिखा था? किसी भी ट्रांजेक्शन को हम अगर चेक करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, और जो भी तुम्हारे माइंड में आता है जब भी तुम एक आइटम को देखते हो, दैट इज
when you assert something, कुछ तुम क्या करते हो, assert करते हो. तो क्या मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारी assertions दी हुई हैं, हर आइटम के बारे में बोला हुआ है, मेरा फ्यूल एक्सपेंस इतना, मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना, रेंट इतना, सारी बातें assert की हुई है मैनेजमेंट ने. यस. सो और इंग्लिश में क्या डेफिनेशन आती है, assertion refers to, ध्यान से अभी सुनना है, अभी लिखना नहीं है, assertion refers to representations by the, जो भी मैनेजमेंट वाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम्हें कह रहा है, दैट दोज आर नोन एज अजर्शंस. अजर्शन है क्या, उसे यूजर भी पढ़ेगा उस अजर्शन को. यस yes, यूजर भी पढ़ेगा और उस अजर्शन को तुम ऑडिटर भी पढ़ोगे. यूजर का काम क्या होगा उस अजर्शन को पढ़ के, और तुम्हारा काम क्या होगा, दोनों के कामों में फर्क है. जब मैंने कुछ चीज अपने यहां से एजर्ट की, तो एज अ यूजर तुम उस अजर्शन को पढ़ रहे हो क्यों, इन्वेस्ट करने के लिए. तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट क्या है कि मैनेजमेंट ये बातें कह रहा है तो मुझे अब इसमें इन्वेस्ट करना है, तो क्या इंटरप्रिटेशन है. अब दूसरा पहलू, तुम ऑडिटर हो. जब मैं कुछ अजर्ट करती हूं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कुछ कहती हूं, कुछ रिप्रेजेंटेशन जो मैं बनाती हूं, जो मैंने कहा, एज अ ऑडिटर तुम उस अजर्शन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, चेक करोगे क्या कि मैम जो अजर्शंस दे रही हैं कहीं उनमें मोटी कहीं कोई गलती तो नहीं. तो दो का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गया ना. जब मैं कुछ कहती हूं तो यूजर देखता है कि ये बात मैम ने कही है, मुझे इनके यहां लगाने हैं पैसे या नहीं लगाने. लेकिन एज एन ऑडिटर जब भी मैं कुछ अजर्ट करूंगी, कुछ कहूंगी सिंपल सी बात, तो तुम क्या सोचोगे कि ये तो अजर्ट करती ही रहती है, ठीक है, ये तो अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अजर्शन दे रही है, मेरा काम क्या है ये देखना कि हर अजर्शन जो इन्होंने कही है उसमें कहीं कोई पोटेंशियल गलती तो नहीं. क्योंकि इनकी अजर्शंस पे मैं अपनी ओपिनियन दूंगा और वो ओपिनियन जाएगी यूजर्स के पास, और यूजर्स उस हिसाब से क्या करेंगे, यहां इन्वेस्ट करेंगे. सो हर कही हुई बात को ऑडिटर ने क्या करना है, चेक करना है. हर मेरी द्वारा दी गई अजर्शन को तुमने क्या करना है, चेक करना है, देखना है कि ये जो अजर्ट करे जा रही हैं क्या वो सही भी है या नहीं है. आगे क्या लिखा, assertion refers to the representation by the management that are embodied in financial statements. मैंने कहा मेरे fixed assets 2 crore के हैं, क्या मेरी कही गई बात जाके financial statements में embody हो गई, fix हो गई, yes हो गई. So अगर मैं कहूं what is assertion, अभी बात ये नहीं आई assertion का होगा क्या, अभी मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूं what is assertion. Assertion are the representations by the management which are embodied in financial statements. अब इन assertions का होगा क्या, as used by auditor to consider different types of potential misstatements. आपने तो assert कर दिया, आपकी कही हुई बात कहां चली गई, financial statement में चली गई. अब ये use करी जाएगी by the ऑडिटर, जिससे कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स निकाल सके. क्या यहां कहीं भी तुम्हें इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड कोई बात दिख रही है, अब नहीं दिख रही ना, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल को अब हम पीछे छोड़ा है, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, एनटी सब छोड़ दिया. अब हम किसको चेक कर रहे हैं, एक एक डिटेल को. क्या याद, अगर मैं चार तुम्हारे माइंड में ले जाऊं, रैप आया, फैप आया, फैप में 2 आए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आया, और अब हम कहां हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पे. सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के भी 3 बचे हैं छोटे छोटे, कौन से, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स. हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स. टेस्ट ऑफ डिटेल्स में चेक करना होता है ऑडिटर को. तुमने बताओ जरा, मेरे इंटरनल कंट्रोल जब चेक किए थे तो क्या चेक किया था, उनकी ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस तुमने चेक की थी. देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, तुमने क्या चेक किया था, डीओटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में डीओटी आ जाता है, मतलब क्या इन्होंने इंटरनल कंट्रोल डिजाइन किए हैं या नहीं, क्या वो ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, और क्या वो थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं. इन तीनों को जान के तुमने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस निकाली थी. टेस्ट ऑफ डिटेल में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या चेक करते हो तुम, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड बैलेंसेस. ट्रांजेक्शन्स कहां के होंगे, पीएनएल के होंगे, और बैलेंसेस कहां के होंगे, बैलेंस शीट के होंगे. सो क्या आ गए हम अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को चेक करने के लिए. यस. क्या क्या चेक करना है उसका,
सी ए वी कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन. ऐसा तो नहीं है आधी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी आधी नहीं करी. एक्यूरेसी क्या प्रॉपरली की है और वैलिडिटी क्या ये सच में हुई भी थी या नहीं हुई थी. ये किसका चेक करोगे इंटरनल कंट्रोल का कैप चेक करोगे क्या. कैप किसका चेक होगा ट्रांजेक्शन का और बैलेंसेस का. डॉट किसका चेक हुआ था डिजाइंड ऑपरेटिंग एंड थ्रू आउट द ईयर. इंटरनल कंट्रोल का चेक हुआ था. कैप कंप्लीटनेस है या नहीं एक्यूरेसी है या नहीं वैलिडिटी है या नहीं किसका चेक होगा ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस का चेक होगा. क्लियर हो गई यहां तक बात 100%. अब आ जाते हैं इस पे टेस्ट ऑफ डिटेल्स. वेरी इजी दीज आर परफॉर्म्ड. क्यों कर रहा है ऑडिटर इन्हें ये देखने के लिए कि कंप्लीट है या नहीं एक्यूरेट है या नहीं और वैलिड है या नहीं. ऑडिटर परफॉर्म करेगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अजर्शंस. अजर्शन का मतलब अब क्या क्लियरली समझ आ गया. जो भी बात मैनेजमेंट कहता है ऑन अ पर्टिकुलर मैटर हर उस कही गई बात पे तुम एमपी कवर लगा दोगे. क्या लगा दोगे हर उस कही गई बात पे तुम एमपी कवर लगा दोगे. एमपी कवर में से जो भी पॉइंट लगता होगा ना चेक करने के लिए तुम उसको लगा दोगे. वॉट इज एम मेजरमेंट. क्या कभी ये पढ़ा था अकाउंट्स में क्या पढ़ा था कि आपको हर ट्रांजैक्शन को प्रॉपर पीरियड में डालना है और प्रॉपर अमाउंट के साथ डालना है. दैट इज द कंप्लीटनेस. तुम चेक कर रहे हो कि हाँ क्या वो प्रॉपर पीरियड में गया है. ये तो नहीं है कि इस साल की आइटम पिछले साल में चली गई या इस साल की आइटम अगले साल में चली गई. जब हमें लिखा मिलता है कि एज ऑन 31 मार्च हमारे असेट्स हैं 2 करोड़ तो हम क्या देखेंगे कि क्या प्रॉपर पीरियड में गया है इस साल ही 2 करोड़ थे या फिर हम क्या देखेंगे कि प्रॉपर अमाउंट आया है या प्रॉपर अमाउंट नहीं आया. मेजरमेंट. नेक्स्ट क्या है पी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. ऑडिटर मैंने क्या किया हुआ है ध्यान से बताओ. मैंने अजर्ट किया हुआ है मैंने प्रेजेंट किया हुआ है. अकाउंट्स लिखे हुए हैं सारे यहां फिगर्स लिखी हुई हैं. अब तुम बताओ तुम प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में क्या चेक करोगे कि वेदर आइटम्स डिस्क्लोज्ड एंड आर क्लासिफाइड एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज. जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से जो जो अजर्शन जहां जहां होनी चाहिए थी क्या मैम ने उसे वहीं वहीं डाली है. अब तुम चेक क्या कर रहे हो मेरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस का. इंटरनल कंट्रोल नहीं अब तुम मेरे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस चेक कर रहे हो. सो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो जहां प्रेजेंट होना था जो जहां डिस्क्लोज होना था वो वहीं प्रेजेंट हुआ है और वो वहीं डिस्क्लोज हुआ है. प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर AS10 हमें हेल्प करता है. अलग कौन सी चीज कहां जानी चाहिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कहां जाएगा किससे रिलेटेड कहां जाएगा तो क्या वो प्रॉपरली वहीं पर प्रेजेंटेड है या वहां प्रेजेंटेड नहीं है. सी कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस में क्या कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई भी असेट हो तुम्हारे पास लेकिन वो रिकॉर्डेड ना हो या फिर कोई भी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है पर वो रिकॉर्डेड ना हो. तुमने ट्रैवलिंग में कंपनी ने 5 लाख रुपए लगाए लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है. दैट मींस देयर इज सम काइंड ऑफ इनकंप्लीटनेस. सो आपको क्या चेक करना है ऑडिटर कि हर आइटम हर असेट हर लायबिलिटी हर ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए कंप्लीटली रिकॉर्डेड होनी चाहिए. नेक्स्ट अकरेंस. अकरेंस में क्या लिखा है ट्रांजैक्शन और इवेंट टुक प्लेस और नॉट. मैंने तो असर्ट कर दिया तुम्हें क्या चेक करना है कि वो असलियत में हुआ भी था या नहीं हुआ था. दिखाओ किस दिन हुआ था कहां है वो पेपर्स. आपने वैल्यू तो लिख दी लेकिन वो हुआ था या वो नहीं हुआ था कौन चेक कर रहा है ये ऑडिटर. क्या चेक कर रहा है मैनेजमेंट के द्वारा दी गई सारी अजर्शंस को वो चेक कर रहा है. वैल्यूएशन असेट और लायबिलिटी जो भी है क्या वो अप्रोप्रिएट कैरिंग वैल्यू पे चल रही है या नहीं चल रही. अब जब मैं तुम्हें कहती हूं किसी ट्रांजैक्शन को चेक करो तो तुम ध्यान से सुनना. मैनेजमेंट ने अजर्ट कर दी कोई बात तुम उसको चेक करने के लिए क्या लगाओगे एमपी कवर लगाओगे उसको चेक करने के लिए. तुम ठीक है उसको चेक करने के लिए एमपी कवर लगाओगे. मैं किसी ट्रांजैक्शन की बात करती हूं तो एमपी कवर में से क्या वी लगेगा ट्रांजैक्शन पे. नहीं लगेगा ना. ट्रांजैक्शन का क्या कोई कैरिंग वैल्यू होगा क्या फ्यूल एक्सपेंसेस का कोई कैरिंग वैल्यू होगा. नहीं ये तो एमपी कवर क्या दिया हुआ है समझने की कोशिश करो. व्हाट इज दिस एमपी कवर. दीज आर ऑल द वेज कि प्रॉपरली मैम मेजरमेंट हुआ है या नहीं प्रॉपर पीरियड और प्रॉपर अमाउंट से गई है या नहीं. पी जहां प्रेजेंट होना था वहां प्रेजेंट हुआ है या नहीं. सी
ट्रांजैक्शन कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है, ओ ट्रांजैक्शन हुई थी या नहीं, असेट और लायबिलिटी का कोई ट्रांजैक्शन हुई थी या नहीं, वैल्यूएशन असेट या लायबिलिटी, असेट किस पे होना चाहिए एट प्रॉपर कैरिंग वैल्यू, एग्जिस्टेंस, बैलेंस शीट के आइटम्स एज ऑन डेट होते हैं, ये सबको पता है एज ऑन डेट, तो एज ऑन डेट अगर कोई असेट दिखाई जा रही है तो ऑडिटर तुम क्या चेक करोगे कि वो उस पर्टिकुलर डेट पे ऑन द गिवन डेट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। पीएनएल फॉर अ गिवन डेट होता है या फॉर द ईयर होता है, फॉर द ईयर होता है, तो वहां पे क्या गिवन डेट एग्जिस्टेंस देखी जाएगी, पीएनएल के आइटम्स के लिए एग्जिस्टेंस नहीं देखी जाएगी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, असेट हमारा क्या होता है, राइट होता है, लायबिलिटी हमारी क्या होती है, क्या ये चीज पीएनएल में कहीं देखी जाएगी कि क्या राइट है क्या ऑब्लिगेशन है, नहीं देखी जाएगी। सो कौन सा पॉइंट कहां लगाना है उस अजर्शन को चेक करने के लिए, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, क्या अकरेंस फ्यूल एक्सपेंसेस हुए थे या नहीं, ये पर्टिकुलर असेट खरीदी गई थी या नहीं, ये लायबिलिटी इनकर करी गई थी या नहीं, ये सब पे लगेगा। लेकिन जैसे कैरिंग वैल्यू हो गया, जैसे एग्जिस्टेंस हो गया, जैसे राइट एंड ऑब्लिगेशन हो गया, तो ये नीचे के सिर्फ किस पे लग रहे हैं, हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज पे लग रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? सो हमने क्या किया, टेस्ट ऑफ डिटेल्स हमारा कंप्लीट हो गया, हमने किया क्या, सबसे पहले अगर दोबारा शुरू करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिट है, इसीलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, जब पूरा प्रोसेस ही नहीं समझ आएगा सो आगे सैम्पलिंग कैसे करोगे, एआरपी कैसे करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, चाहे वो 10 बार बोले चाहे 20 बार बोले, ठीक है, वो कितना ही लगे कि यार हो गया आप चलते हैं आगे, बट उसे हमें बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। सबसे पहले जब प्रोसेस शुरू किया था सो क्या काम किया था, रिस्क को असेस करने वाले प्रोसीजर्स किए थे, उससे हमें क्या था, मोटी गलती होने के चांसेस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उससे हम क्या डिसाइड कर पाते, एनटीई ऑफ फर्दर प्रोसीजर्स। लेकिन ये किया कैसे, एक अनुमान लगाया कैसे, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरमेंट और उसका इंटरनल कंट्रोल को जान के, उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हुए तुम कहां आ गए, मेरे यहां आ गए, ठीक है, मेरे यहां आके तुमने क्या कहा कि अनुमान तो मैं लगा चुका हूं, अब मैं करूंगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में मैम आपके यहां मैं सबसे पहले क्या चेक करने वाला हूं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, आपका इंटरनल कंट्रोल चेक करूंगा, आपके इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसी है, आपका इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली डिजाइन है या नहीं, आपका इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली ऑपरेटिंग है या नहीं, डीओटी आपका इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द ईयर काम करता है या नहीं। इसके लिए तुम तीन चीजें चेक करोगे, एनटीई, नेचर, टाइम और एक्सटेंट। बताओ जरा नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या देखोगे, हाउ देवर अप्लाइड, बाय हुम देवर अप्लाइड, एंड कंसिस्टेंसी विच विद देवर अप्लाइड। नेक्स्ट क्या चेक करोगे, टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और थ्रू आउट द पीरियड, किस हद तक, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन आर आर, रेट ऑफ डेविएशन आर आर, रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस। इससे पता चल गया एनटीई से देख लिया क्या है ऑपरेटिवनेस, पता चल गया इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं या बुरे हैं। अब नेक्स्ट कहां चले, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करने, अब हमें अकाउंटिंग सिस्टम की सारी ट्रांजैक्शंस को, सारे बैलेंसेस को डिटेल में चेक करना है, या तो हद से ज्यादा डिटेल में चेक होगा या थोड़ा कम हद से ज्यादा चेक डिटेल में चेक होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या चेक करोगे, कैफ चेक करोगे ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस, जो भी मैनेजमेंट असर्ट करता है, जो भी मैनेजमेंट असर्ट करता है, क्या उन सारी ट्रांजैक्शंस को, उन सारे बैलेंसेस पे आप एमपी कवर लगाओगे और उसको चेक कर डालोगे, यस। एमपी कवर क्या है, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, कवर, कंप्लीटनेस, अकरेंस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अगर मैं बोलूं व्हाट इज एजर्शन, एजर्शन की डेफिनेशन बताओ, एजर्शन आर द, these are the representations made by which are embodied in financial statements and they are used by auditor, kis liye, to find out different types of
पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट. दोबारा आधे तक तो आ गया, तुम्हें तो पता चल गया वॉट इज अजर्शन. वॉट इज अजर्शन? इट इज द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट विच आर एम्बॉडीड इन द, यहां तक तो पता है. उसके बाद दीज आर यूज बाय ऑडिटर टू कंसिडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट. ठीक है, जब तक मैं कुछ अजर्ट नहीं करूंगी तुम ये कैसे बताओगे कि मैम जो कह रही है वो सच है या झूठ है? जब कुछ कहूंगी तभी तो बताओगे ना ये सच है या झूठ है. सो ये सब हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स में चेक कर लेते हैं. क्लियर हो गया यहां तक? तो क्या हमारा एसे 500 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया? अब अगर मैं बात करूं कि जरा क्या कोई बता सकता है एसे 500 में मैंने क्या क्या बातें कर डाली? ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस हो गया, उसकी डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड ठीक है. उसके बाद फैक्टर्स किसको बताते हुए, सफिशिएंसी को बताते हुए. उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस. उसके बाद रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी. फिर हमारे पास आए दो बड़े बड़ी चीजें, हाँ वो यही ले लेते हैं, वो तो छोटा सा है, टाइप्स. उसके बाद आया मेथड्स और प्रोसीजर्स. तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, दैट इज स्टैंडर्ड नंबर 500. क्या समझ आ गया पूरा स्टैंडर्ड? ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर 3 का पहला स्टैंडर्ड है और सबसे बड़ा हमारा ये स्टैंडर्ड था. क्लियर हो गई बात? चैप्टर 3 हैज नो टॉपिक इन इटसेल्फ, उसमें सिर्फ क्या है, स्टैंडर्ड्स ही हैं. ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ कि चैप्टर 1 मेरे माइंड में तब से चल रहा है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का टेस्ट कब देना है? 1 और 2 हो चुके हैं क्योंकि कल. आज थर्सडे है, हाँ. मंडे मुझे नहीं पता, मंडे यही दैट इज द मेन इशू ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट वो क्लास मिस होगी ना. अच्छा तुम्हारी संडे भी तो क्लास होगी ना कोई ना कोई? अच्छा तुम्हारी नहीं है संडे होगी क्लास, संडे को कोई छुट्टी नहीं है? एक्सक्यूज मी, संडे कोई छुट्टी नहीं है? बच्चों के लिए छुट्टी है, बड़ों के लिए नहीं है. ठीक है, तुम बच्चे हो. हाँ मैम हम बच्चे हैं. ठीक है, तो बताओ कब लेना है, या तो सैटरडे या मंडे? मंडे ठीक है, मंडे रखते हैं, संडे मिल जाएगा पढ़ने के लिए तुम्हें. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है हमारा, 505, जिसको हमें क्या करना है बस, नहीं नहीं करना नहीं है अभी, सिर्फ तुम्हें लिखना है, कुछ नहीं करवा रही. नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं है. अजर्शन की डेफिनेशन लिखनी है, खुद लिखो लिखो, मैं बोल रही हूं साथ साथ. नॉट एट ऑल, टाइम ही नहीं, तुम मेरी क्लास लेट दूसरी खत्म होती है, मेरे को टाइम नहीं मिलता. अजर्शन आर द, लिखो खुद लिखने की कोशिश करो, मेरे को मत देखो. अजर्शन आर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट विच आर एम्बॉडीड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लिखो, इतना लिखो, अजर्शंस आर रिप्रेजेंटेशन, स्पून फीडिंग चाहिए, अजर्शंस आर रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट विच आर एम्बॉडीड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Used by the auditor to consider different types of potential misstatements. To consider different types of potential misstatements. मंडे तक अपना चैप्टर 1 और 2 पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेना. ठीक है, अब इसको लिखोगे 505, इट विल टेक यू 10 मिनट्स और मेरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा.
यार अभी टाइम ही नहीं हुआ, 1 hour 15 minutes हुए. आई हैव प्रूफ, लिख लो. चलो मैं बोल रही हूँ, फटाफट लिखो. हाँ कर रही हूँ, वेरी गुड. लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, कुछ नहीं हो रहा. आई विल ईदर टीच और यू हैव टू राइट. आई हैव नो एक्सक्यूज फॉर दिस. समझना है तो समझा देती हूँ, क्योंकि समझ हम चुके हैं. अच्छा मैटर, दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग. चुपचाप बैठ के लिखते रहो, माइंड बंद कर दो, आंखें बंद कर दो, लिखते रहो. माइंड बंद करो, लिख लो. हाँ हाँ वो कल कराऊंगी, अभी लिखो बैठ के. वो मैं अच्छा हुआ याद दिला दिया, अभी लिखो. अरे बाप रे, वो 6 questions भी तो करने हैं. ठीक है वो नहीं कराऊंगी, ये लिख लो. एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इतना मत परेशान हो, फटाफट लिखो. एक्सटर्नल कंफर्मेशन SA 505. एक्सटर्नल कंफर्मेशन सिर्फ 3 topics पढ़े हैं आज. सिर्फ ही है इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और यूजिंग एविडेंसेस ऑफ द प्रीवियस ऑडिट्स. ऐसे तो एक ही स्टैंडर्ड ही पढ़ा है, अभी कुछ और पढ़ा ही नहीं. टोटल 3 arrows हैं. टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड रिक्वेस्ट. दिखा रहे, एक सेकंड, इतना पैनिक नहीं. टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट में 2 types ऑफ रिक्वेस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Reply whether party agree or disagree. Reply whether party agree or disagree. हाँ सब लिखना है. छोटा सा पेज लिखने में तुम लोगों को कितनी आफत है. हो गया? Your balance with us is rupees dash. हो गया? Exception, difference between information requested and information obtained. हो गया first side? अच्छा ठीक है. लिख लिया है फर्स्ट साइड.
डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड. मैं बता रही हूं क्या यहां से नहीं लिखा. एक्सेप्ट नॉन रिस्पॉन्स है, फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड. जिसने वो नहीं लिखा वो लिख लो. नॉन रिस्पॉन्स है, फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड. एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर और फिर ये मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड रिक्वेस्ट. तीन आरओज में डिवाइडेड है. लिखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर. डिटरमाइनिंग अगली क्लास से ना करवा दूंगी पहले. डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड. सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट पार्टी. इधर जो ब्लैक से लिखा है और जो डायग्राम है वो मत लिखना, कल समझाऊंगी तब साथ साथ लिख लेना. फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड. सेंडिंग द रिक्वेस्ट. लास्ट पॉइंट इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट, फॉलो अप्स एटसेट्रा. ब्लैक वाला सारा छोड़ दो. सेंडिंग द रिक्वेस्ट, फॉलो अप्स एटसेट्रा. उसके बाद लिखना है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग. ये डिजाइनिंग से थर्ड पॉइंट से डिजाइन कर रहे हो ना जब रिक्वेस्ट को, तो फैक्टर्स कंसिडर करना जब आप डिजाइन कर रहे हो अपनी रिक्वेस्ट. फैक्टर डिजाइन क्या बताऊं, डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. अच्छा थर्ड पॉइंट इज डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट विद प्रॉपर एड्रेसिंग. हाँ, इसके चार पॉइंट्स लिखने के बाद डीएस डीएस के बाद फैक्टर्स टू कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग. छह फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है जब आप रिक्वेस्ट डिजाइन कर रहे हो. ROMM, risk of material misstatement. Second, layout and presentation. Third, prior experience. Fourth, method of communication, paper or electronic. Fifth, assertions being addressed. Sixth, management authorization. Management authorization. Likh liye points? Sabne? फिफ्थ सिक्स अगर रह गए आई विल डिक्टेट. लास्ट लिखो मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड रिक्वेस्ट. छोटा सा पॉइंट है, फटाफट इसे लिख लो. कौन क्या चीज
इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस इंक्वायर एज टू रीजंस इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन. Inquire as to reasons. Evaluate the implication. Perform alternative procedures. If auditor concludes refusal unreasonable, auditor ko refusal unreasonable lag rahi hai. And he is not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence, communicate to TCWG, those charged with governance. Else 705, standard 705 mein opinion aayegi. Ye SC 705 hai, ye SC 260 hai. Done. SA standard on auditing 260, else standard on auditing 705. आपको कोई तकलीफ है या तो आप हायर अथॉरिटी को बता दो या फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो. Those charged with governance, ये मैनेजमेंट से ऊपर की अथॉरिटी होती है जो मैनेजमेंट देख नहीं रही होती, सिर्फ गवर्न कर रही होती है. ठीक है, सो चैप्टर थ्री में पहला स्टैंडर्ड हो गया है स्टैंडर्ड 500, दैट इज आर बेस. अब ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड आते जाएंगे और मजेदार तरीके से कंप्लीट होते जाएंगे. 500 नंबर को अच्छे से 10 बार रिपीट कर लेना. इट इज अ बिग एंड अंडरस्टैंडिंग वाला स्टैंडर्ड. और कल याद दिलाना, जितने भी क्वेश्चन अभी 10-12 नहीं हुए हैं चैप्टर टू के, वो कल कर लेंगे.